जरूरत क्यों पड़े। तो एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हम लोग को क्यों जरूरत पड़ी कि हम लोग एक स्ट्रक्चर का एरे बनाए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इस एग्जाम्पल को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, ध्यान से इसको देखना। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट बनाया, ठीक है, और इसके अंदर तीन मेंबर हम लोग ने ले लिया। ठीक है, कैर नेम ऑफ साइज 20, इंट आईडी और फ्लोट मार्क्स। ठीक है, तीन वेरिएबल है, ठीक है, और तीन मेंबर हम लोग ने यहाँ पे ले लिया। किसी को दिक्कत, ले सकते हैं। ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हम लोग ले सकते हैं, यूजर के अकॉर्डिंग कोई भी मेंबर्स हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन पे। ठीक है, मेन फंक्शन पे है, हमने इसका वेरिएबल कैसे बनाया, जैसे नॉर्मल वेरिएबल हम लोग बनाते हैं वैसे बनाया। क्या लिखे यहाँ पे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, S2, S3। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, इस S1 के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, नेम है, आईडी है और मार्क्स है। S2 के अंदर भी तीनों अवेलेबल होगा, S3 के अंदर भी तीनों अवेलेबल होगा। अब बारी आती इनपुट लेने की, तो कैसे इनपुट लेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर द नेम आईडी एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, स्कैन एफ परसेंट एस परसेंट डी परसेंट एफ, और S1 डॉट नेम से हम लोग इसको एक्सेस करेंगे, S1 डॉट आईडी और S1 डॉट मार्क्स ऐसे ले लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद सेकंड स्टूडेंट का भी सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टूडेंट का भी सेम वैसे ही हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर मान के चलो 100 स्टूडेंट है, तब कैसे करोगे, ठीक है, तो 100 वेरिएबल हम लोग को बनाना पड़ेगा, 100 वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना। 100 वेरिएबल हमने बनाया, उस 100 वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है, और हर एक वेरिएबल के अंदर तीन तीन डेटा मेंबर है। ठीक है, चलो इनपुट तो हम लोग ले लिए 100, अब उसको प्रिंट भी करना है। ठीक है, तो कितना लाइन लिखना पड़ेगा, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए ऑलरेडी 3 लाइन लिखना पड़ रहा है हम लोग को। ठीक है, मतलब कितना हो गया, 100 × 3, 300 लाइन्स हो गई। ठीक है, अब उसको प्रिंट करेंगे, अब प्रिंट भी अलग अलग लाइन में करेंगे। ठीक है, तो और कितना लाइन लिखना पड़ेगा, 300 लाइन और लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल प्रोग्राम कितने लाइन का हो गया, 600 लाइन का हो गया। लिख पाओगे 600 लाइन का, लिख लोगे, अगर मान के चलो एक आध एरर आ गया, एक सेमी कॉलन भूल गए, खोजते रहो कहाँ सेमी कॉलन है। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग को यहाँ पे बार बार इनपुट या फिर हम लोग को प्रिंट करने की जरूरत ना पड़े, इसलिए हम लोग क्या बना लिए, उसका एरे बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एरे बनाएंगे, और एरे को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, फॉर लूप के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसी को ओवरकम करने के लिए हम लोग बनाते हैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, एन एरे ऑफ स्ट्रक्चर इन सी कैन बी डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल स्ट्रक्चर वेरिएबल्स, ठीक है, वेयर ईच वेरिएबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, हर एक वेरिएबल क्या कंटेन करके रखेगा, क्या होल्ड करेगा, डिफरेंट डिफरेंट एंटिटीज, मतलब जो डेटा मेंबर्स है उसके। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट बनाया था, इसके अंदर कितने मेंबर्स थे, 3। अगर जैसा हमने एक एरे यहाँ पे बनाया है, ठीक है, सेम वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का एरे बना दे और उसमें साइज दे दे 20, तो हम लोग 20 वेरिएबल बना सकते हैं, मतलब 20 स्ट्रक्चर के डेटा वहां पे स्टोर कर सकते हैं, कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल वेरिएबल ना लेके हम लोग को क्या लेना है वहां पे, अब उस स्ट्रक्चर का एरे बना लेना है। ठीक है, क्या बनाना है, एरे बनाना है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसकी मेमोरी कैसे मिलती है। ठीक है, अगर एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स हम लोग बना रहे हैं, अगर किसी भी स्ट्रक्चर का एरे बनाते हैं, तो मेमोरी कैसे मिलती है। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी एक एम्प्लॉय नाम का एक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, यहाँ पे लिया है स्ट्रक्ट एम्प्लॉय इंट आईडी कैर नेम और फ्लोट सैलरी। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसका एक वेरिएबल बनाया, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ईएमपी ऑफ साइज 2। एक एरे बनाया है, क्या बनाया है, एरे बना लिए। ठीक
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या दिए, साइज 2 दिए, ठीक है, मतलब उसमें 2 एम्प्लॉय का डेटा स्टोर हो सकता है, ठीक है। और हर एक एम्प्लॉय के पास क्या है, 3 मेंबर है, मतलब 3 टाइप के डेटा है, कौन कौन से, आईडी, नेम और सैलरी। आया समझ में, हम लोग ने अलग अलग यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, इसका एरे डिफाइन किया है और हर एक उसमें 3 मेंबर के डेटा स्टोर होंगे, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर 0 पे, ठीक है। इसके अंदर 2 बोल रहे हैं, मतलब 0 और 1, इंडेक्स क्या क्या होगा, 0 और 1, तो यहाँ पे आ गया ईएमपी ऑफ 0, ठीक है। जब भी इस टाइप का कोई एरे बनता है तो हमेशा याद रखना वो लीनियर एरे ही होगा। किस टाइप का एरे होगा, लीनियर एरे, मतलब वन डायमेंशनल एरे। और जब भी अगर हम लोग वन डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं तो उसमें मेमोरी कंटिन्यूस फॉर्म में ही मिलेगी, ठीक है, कंटिजियस मेमोरी ही अलोकेट यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। कोई मेमोरी दूसरे जगह से, कोई मेमोरी दूसरे जगह, ऐसा नहीं होगा, कंटिन्यूस फॉर्म में ही उसको मेमोरी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस टाइप का अगर मेमोरी ब्लॉक है तो ये ईएमपी ऑफ 0 के लिए पूरा का पूरा अलोकेट कर दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आईडी डिफाइन किया गया है, तो आईडी को मिल जाएगा मेमोरी, ठीक है, कितना मिल गया, 4 बाइट्स का उसको मेमोरी मिल गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेम है ऑफ साइज 10, ठीक है, यहाँ पे उसको मेमोरी मिल गया। फिर उसके बाद सैलरी को मेमोरी मिल गया, ठीक है। तो ईएमपी ऑफ 0 को पहले पूरा मेमोरी मिल जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा उसका यहाँ पे मेमोरी मिलेगा। तो इंट आईडी, कैर नेम और फ्लोट सैलरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नेम क्या है, 5 है, साइज कितना है उसका, 5, तो कितना यहाँ पे बाइट मिला है, 5 बाइट मिला है। तो अगर इसके साइज की हम लोग बात करें तो साइज ऑफ ईएमपी अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 4 बाइट्स प्लस 5 बाइट्स प्लस 4 बाइट्स कितना हो जाएगा, 13 बाइट्स यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए 13 बाइट की मेमोरी अलोकेट की जा रही है, ठीक है। तो 13 बाइट्स में 4 बाइट इंटीजर आईटी का है, फिर उसके बाद 5 बाइट किसका है, नेम का है, फिर उसके बाद सैलरी का है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो इस प्रकार से मेमोरी अलोकेट होती है। अगर दोनों की अगर हम लोग बात करें तो 13 प्लस 13 26 बाइट्स का एक एरे बनेगा, ठीक है। कितने बाइट्स का बनेगा, 26 बाइट्स का बनेगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, क्या बनाया, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसके अंदर 2 मेंबर हमने दिया, इंट रोल नंबर और कैर नेम ऑफ साइज 10, ठीक है। 2 मेंबर है हमारे पास, इंट रोल नंबर और नेम, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इस मेन पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग इसका वेरिएबल बनाएंगे। कैसे वेरिएबल बनाएंगे, जैसे नॉर्मल वेरिएबल हम लोग बनाते हैं वैसे बनाएंगे, ठीक है। मैंने लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, ठीक है, ST ऑफ साइज 5। हमने यहाँ पे एक एरे क्रिएट किया और एरे का नेम क्या है, ST, ठीक है। उसका साइज कितना है, 5 है, मतलब ST के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट्स होंगे और हर एक एलिमेंट के पास 2 मेंबर्स होंगे। हर एक एलिमेंट के पास क्या होंगे, 2 मेंबर्स होंगे, ठीक है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये है ST ऑफ 0, ठीक है, ये ST ऑफ 0 है, ठीक है। वैसे सेम यहां पे ST ऑफ 1, ST ऑफ 2, ST ऑफ 3, ठीक है, और ST ऑफ 4, ठीक है। 5 एलिमेंट है हमारे पास, कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। पांचों एलिमेंट में कितने मेंबर्स है, कितने मेंबर्स है, 2 मेंबर। अगर इस ST ऑफ 0 की बात करें तो इसके पास 2 मेंबर्स होंगे, कौन कौन से, रोल नंबर और नेम,
ठीक है, रोल नंबर और नेम सेम चीज किसके पास होगा, ST1 के पास भी होगा, ST2 के पास भी होगा, ST3 के पास भी होगा, ST4 के पास भी होगा, ठीक है, और सभी के सभी कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होंगे, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एरे बन गया, क्या बन गया, एक एरे बना और उसके अंदर पांच क्या है एलिमेंट है, और हर एक एलिमेंट के पास दो अलग अलग डेटा टाइप के मेंबर, ठीक है। अब यहां पे हम लोग आते हैं और इसको एक्सेस कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ठीक है, मैंने एक मैसेज प्रिंट किया एंटर रिकॉर्ड्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया, और लूप कहाँ से कहाँ तक चला रहे हैं, 0 से लेके लेस देन 5 तक चला रहे हैं, मतलब 4 तक। इंडेक्स नंबर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर 5 एलिमेंट्स है तो 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, तो लेस देन 5 हम लोग लिखे, तो लूप कहां तक जाएगा, 0 to 4 तक जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले i की वैल्यू रहेगी 0, क्या रहेगा, i की वैल्यू 0, ठीक है। अब यहां पे देखो printf enter roll number, और यहां scanf लगा के हम लोग ने डॉट ऑपरेटर से एक्सेस किया st ऑफ i डॉट रोल नंबर, ठीक है, st ऑफ i, i की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, तो st of 0 dot roll number, जो भी हम लोग एंटर करेंगे वो कहां पे स्टोर होगा, 0th index में स्टोर होगा, ठीक है, मतलब st of 0 के रोल नंबर को हम लोग इनिशियलाइज कर लिए, वैसे ही हम लोग st of 0 के नेम को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है, समझ में आया, एंटर नेम और st of 0 dot name को हम लोग एक्सेस करके उसमें स्टोर कर लिए, क्लियर। ये हो गया i इक्वल टू 0, मतलब st ऑफ 0, फिर उसके बाद लूप बढ़ेगा, ठीक है, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है, i की वैल्यू हो गई 1, ठीक है, तो सेम st ऑफ 1 डॉट रोल नंबर, st ऑफ 1 डॉट नेम, दोनों में इनपुट आ गया, इनपुट आ गया दोनों में, ठीक है, फिर उसके बाद लूप की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, st of 2 dot roll number, st of 2 dot name, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग पांचों एलिमेंट्स में हम लोग डेटा को इनपुट ले लेंगे, डेटा इनपुट ले लिए, ठीक है, पांचों एलिमेंट के अंदर दो दो मेंबर थे, सबके सब इनिशियलाइज हो चुके हैं, सबके सब इनिशियलाइज हो गए, अब उसको प्रिंट करना है, कैसे प्रिंट करेंगे, सेम फॉर लूप लगा के, ठीक है, हम लोग ने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिस्ट, ठीक है, हमने एक लूप लगाया और लूप कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 to 4 तक जा रहा है, ठीक है, लेस देन 5 लिखा है मतलब कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे हम लोग ने प्रिंट किया रोल नंबर परसेंट डी नेम परसेंट एस, ठीक है, एस टी ऑफ आई डॉट रोल नंबर कॉमा एस टी ऑफ आई डॉट नेम, ठीक है, आई की वैल्यू 0 होगी तो एस टी ऑफ 0, 0, ठीक है, i की वैल्यू 1 होगी तो st of 1, 1 रहेगा यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप से एक एक वैल्यू को एक्सेस करेगा और वहां पे प्रिंट करते जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे साइज कितना भी ले सकते हैं, हो सकता है हम लोग 50 ले लिए, 500 ले लिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लूप को हम लोग 500 बार चला देंगे और 500 बार इनपुट दे देंगे, सिर्फ इनपुट देने का काम रहेगा अपने पास, 500 लाइन वहां पे नहीं लिखना है हमको, ठीक है, आया समझ में, 500 वेरिएबल भी नहीं बनाना है, हमने क्या बना लिया, उसका एक एरे बना लिया, और एरे को हम लोग इस लूप से एक्सेस करके उसमें इनपुट भी दे रहे हैं, और लूप से ही एक्सेस करके हम लोग उससे एक्सेस करके प्रिंट भी कर रहे हैं, ठीक है, आया समझ में। तो हम लोग का जो प्रोग्राम बना छोटा सा बना, ठीक है, रीड करने में भी आसानी, ठीक है, और वहां पे हम लोग को बस एक ही काम करना है, इनपुट देने का काम, इनपुट हम लोग जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उसके हिसाब से हम लोग इनपुट दे सकते हैं, क्लियर। तो ये था एरे ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्या था, एरे ऑफ स्ट्रक्चर, हमने एक स्ट्रक्चर का एरे बनाया, क्या बनाया, स्ट्रक्चर का एक एरे बनाया।